जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में। आज हमारा रीजनिंग का फिर से एक बार इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा, जिसमें आज हम पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की बेसिक डिटेल के बारे में आज हम जानेंगे। साथ में इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में पजल और अरेंजमेंट है क्या। पाँच डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हिमाचल पुलिस या अनदर जो भी आपके बैंकिंग के एग्जाम रहते हैं उसमें मोर देन फाइव भी कई बार क्वेश्चन जो हैं वो आपके पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में से पूछे जाते हैं। सो इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सबके लिए रहेगा। सो पार्ट वन है आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं और उसके बाद आज की क्लास जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने आठ व्यक्ति बताए गए हैं, पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर बाय जेड और एस। यहाँ पे बोला गया है ये वृत्ताकार शेप में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पे कुछ इनकी डिटेल बताई गई है। तो आपको ये सारी पजल की फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, ये एक्चुअल में सिटिंग अरेंजमेंट है। एक्चुअल में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है या तो किसी सर्कल की शेप में या फिर एक लाइन में आपको वहाँ पे लोगों को बिठाना होता है, और पजल जो है वहाँ पे आपका मल्टीपल कोई भी फिनोमिना एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है। पजल का मतलब है दिमाग को पजल करना, आपको कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं बताई होगी, आपको हल्की सी घुमा फिरा के वो चीज़ बताई होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि जो पालमपुर है वो शिमला से 300 किलोमीटर दूर है, तो आपको डायरेक्ट ये बात नहीं बताई जाएगी, आपको घुमा फिरा के बताई जाएगी कि चंडीगढ़ के अगर मैं राइट जाता हूँ तो वहाँ पे शिमला आता है, शिमला से मैं लेफ्ट जाता हूँ तो वहाँ पे दिल्ली आता है, दिल्ली से ये 400 किलोमीटर दूर है। मतलब आपको डायरेक्ट ये चीज़ जो है वो नहीं बताई जाएगी, हल्की सी घुमा फिरा के चीज़ बताई जाएगी। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए रहेगा, जो भी स्टूडेंट हिमाचल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सो उनसे ही रिलेटेड ये आज का मेनली सेशन रहने वाला है। सो मोर देन फाइव क्वेश्चन आपके हिमाचल पुलिस में पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के जो है वो पूछे जाते हैं। जो आपका ट्रेंड चला है 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दो पजलें आपसे पूछी गई थी, तो चांस है कि 2022 का जो आपका हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम रहेगा उसमें भी पजल जो है वो पूछी जाएंगी। एक पजल तो डेफिनेट है कि पूछी ही जानी है, दूसरी का भी चांस है थोड़ा सा। तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो सेशन है वो आप सबके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या कंडीशनें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, उसी के हिसाब से आज हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल डिटेल के बाइस। जो भी नए बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं वो भी यहाँ पे आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंडीशन की बात करूं कि आठ हमारे पास टोटल पर्सन हैं और एक सर्कल में बैठे गए हैं, वृत्ताकार का मतलब होता है एक सर्कुलर शेप में, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सर्कुलर शेप। पॉसिबिलिटी बनाने का मतलब है कि अगर एक पॉसिबिलिटी खराब होती है तो दूसरी हमारी फिट रहेगी। तो ये मैंने दो यहाँ पे सर्कल बनाए, आठ लोगों को जब भी आपने बिठाना है तो आमने सामने बिठाते हैं। जैसे ये पहला आदमी बैठेगा, इसके सामने दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर आठवां। वैसे ही इस सर्कल में भी ऐसे ही लोगों को बिठाएंगे, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छः, सात और आठ। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, बाय ठीक क्यू और आर के बीच बैठा है। यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है आपको कि बाय जो है वो क्यू और आर के बीच बैठा है, तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर बाय को बिठा लिया तो बोला है बाय जो है वो क्यू और आर के बिल्कुल ठीक में बैठा है। तो यहाँ पे मैंने बाय को बिठा दिया, इस तरफ क्यू रख दिया, इस तरफ आर रख दिया। अगली बार भी इसी पॉसिबिलिटी को लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, बाय जो है वो क्यू और आर के बीच बैठा, तो इस बार मैं बाय के लेफ्ट साइड आर को बिठा दूंगा,
और क्यू को यहाँ बिठा दूंगा। इस चीज़ को बोला जाता है पॉसिबिलिटी। जो चीज़ हमें प्री डिफाइंड नहीं बताई गई है तब हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी का रूल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, P ना तो X के और ना ही Z के साथ में बैठा है। तो ना तो हमारे पास अभी P है, ना X है, ना तो Z है, इसलिए इस लाइन को अभी हम स्किप करेंगे। आगे बोला है Q के दाएं Z बैठा है। दाएं का मतलब होता है राइट साइड। जो Q का राइट साइड है उसकी तरफ Z बैठा है। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जो A पॉसिबिलिटी हमारी थी, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो Q का राइट साइड होगा इस तरफ, तो Q के राइट साइड तो बाय बैठा है। हमें कंडीशन बोली है कि Q के राइट साइड Z बिठाना है, तो इस कंडीशन को जो हमारे पास B यहाँ पे पॉसिबिलिटी चली है, इसको एक बार लगा के देखते हैं। Q का राइट साइड ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? Z। अब आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो Q के राइट साइड तो बाय बैठा है, बाय की जगह तो जेड को नहीं बिठा सकते, तो इसलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। हम सेकंड को ही सॉल्व करेंगे सारे के सारे। तो आगे बोला है एक्स के बाएं मतलब कि लेफ्ट, और बाएं और बाएं के दाएं मतलब कि राइट, तीसरे स्थान पे एस बैठा है। बाएं से राइट तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? एस बैठा है। अच्छा, ये बाएं है, बाएं का ये पहला राइट, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे नंबर पे किसको बिठाना? हमने एस को बिठा दिया, ठीक है। आगे जो हमारी लाइन छूटी थी उसको हम रीड कर लेते हैं। ये इसी लाइन को अगर एक बार बात करें, एक्स के लेफ्ट तीसरे स्थान पे कौन बैठना चाहिए? एस बैठना चाहिए। तो एक्स को हम यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे एक्स को बिठाएंगे, ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई थी कि पी जो है ना तो वो एक्स के साथ बैठना चाहिए, ना तो जेड के साथ बैठना चाहिए। इसका मतलब पी यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो फिर पी यहाँ पे बैठेगा अपनी अलग पोजीशन पे। अब एक हमारा कोई आदमी यहाँ पे बचा है और उसका नाम है W, तो उसको हम यहाँ पे बिठा देंगे। तो ये आपकी सारी की सारी पजल बनके तैयार हो गई। अब जब भी आपकी बेसिक वाली पजल आज हम सॉल्व करेंगे, जो भी आज आपकी ये पजल सॉल्व की गई है, बस आपको पजल ही सॉल्व करनी है, इसके क्वेश्चन से नहीं डरना है। क्वेश्चन सबसे सिंपल से होते हैं। मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? एक्स डैश के बीच में बैठा है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। एक्स किसके किसके बीच में बैठा है? आप एक बार पजल को देखिए, एक्स किसके किसके बीच में बैठा है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहां पे पता चल रहा है x जो है वो w और r के बीच बैठा है। तो w और r कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन बी। आपकी बस पजल बननी चाहिए, फिर आपका सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो निकल के आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, s के बाएं कौन बैठा है? s के लेफ्ट। आप इस चीज को देखिए, s के लेफ्ट कौन बैठा है? अब s का लेफ्ट कहां पे आएगा? एस का लेफ्ट आएगा Z, तो Z वाला कौन सा है? ऑप्शन ए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है इसका, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हैं, मतलब अगर उनके चेहरों को वृत्त के बाहर की तरफ कर देते हैं, मतलब वो सेंटर पॉइंट की तरफ नहीं देख रहे हैं, अब वो सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो बोला गया है कि W किसके बाएं होगा, मतलब W जो है वो किसके लेफ्ट साइड रहेगा। तो यहाँ पे जब इस W को ये बाहर देख रहा है तो किसके लेफ्ट रहेगा? ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर P के लेफ्ट रहेगा, क्योंकि वैसे ये P के राइट साइड है, P के ये राइट साइड है, लेकिन जब ये बाहर की तरफ देखेंगे तो P का राइट साइड ये बन जाएगा, ये लेफ्ट बन जाएगा। तो P के लेफ्ट साइड कौन बैठा है? W। तो W किसके लेफ्ट बैठेगा, वो चीज यहाँ पे आपको आंसर में बतानी है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का रहेगा। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि कुछ हमारे पास यहाँ पे पर्सन है, विनय, विनोद, विकास, बासु, वैभव, वरुण और विशाल। तो टोटल हमारे पास 7 लोग हैं।
एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब होता है, केंद्र की ओर का मतलब होता है जैसे हमारे पास डाइनिंग टेबल होता है ना, सारे के सारे अंदर की तरफ ही बैठ के खाना खाते हैं, तो उसी पोजीशन में सारे के सारे बैठे हैं। पॉसिबिलिटी बना के देख लेते हैं। सबसे पहले सर्कल बना लिया, एक सर्कल, और एक सर्कल हम यहाँ पे बना के देखेंगे अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो। अच्छा, अब हमारे पास टोटल हैं कितने पर्सन? 7 हैं। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी 7 की बात की जाएगी तो आपको आमने सामने से स्टार्ट करना है। पहला आदमी, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा, छठवां, और सातवें को आप यहाँ पे रख दो। ये पोजीशन बन जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 पोजीशनें बन गई। सबसे पहली लाइन में क्या बोला गया है? फर्स्ट तो हो गया, सेकंड में बासु विकास के दाएं से तीसरा है। विकास के दाएं से तीसरा कौन बैठा है? बासु। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं कि विकास का दायां, फॉर एग्जांपल यहां पे विकास बैठा है, यहां पे विकास को बिठा लिया। अब बोला है विकास के दाएं से तीसरा, विकास का राइट इस तरफ आएगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे कौन बैठना चाहिए? बासु बैठना चाहिए। ये शायद एक ही कंडीशन से हमारा फॉलो हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है? वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है, तो इस चीज को भी हम सॉल्व करेंगे। विनय के बाएं से दूसरा कौन है? विशाल। अब फॉर एग्जाम्पल की विनय को हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है? विनय को अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो पॉसिबिलिटी हमारी कुछ गलत भी हो सकती है। अब यहां पे अगर मैं विनय को यहां पे रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने विनय को रख दिया, तो विनय के बाएं से दूसरा जो है वो वरुण है। यहां पे कौन आना चाहिए? वरुण, लेफ्ट साइड। और विशाल के दाएं से दूसरा भी कौन आना चाहिए? वरुण ही आना चाहिए, तो विशाल यहां पे आएगा, क्योंकि विशाल का राइट दूसरा पे कौन आ गया? वरुण आ गया। अब बोला कि वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा है, विनोद के दाएं से तीसरा। अब विनोद को यहां पे रखेंगे, विनोद का दाया तीसरा, 1, 2 और 3, यहां पे कौन आ जाएगा? वैभव आ जाएगा। तो ये हमारी सारी की सारी पजल यहाँ पे बन के तैयार है। आगे बोला वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हाँ तो वरुण का ये पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है? ये हमारी कंडीशन बन गई। सबसे पहले विकास है, फिर हमारे पास विनय है, फिर विनोद है, वरुण है, बासु है, विशाल है और वैभव है। तो हमारी सारी पजल बन के तैयार है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, विनोद के राइट साइड से दूसरा कौन है, ये आपको यहां पे बताना है। विनोद के राइट साइड से दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो विनोद का राइट यहां पे आप चेक करें, ये विनोद है। विनोद का दूसरा राइट पे कौन बैठा है? विकास बैठा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का? विकास रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास के तुरंत दाएं कौन बैठा है? विकास का तुरंत दाया आप यहां पे देख सकते हैं, विकास का तुरंत दाया मतलब पहले दाएं पे कौन बैठा है? वैभव बैठा है। तो वैभव वाला ऑप्शन कौन सा? हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला वरुण के बाएं से तीसरा कौन है। अब वरुण कहाँ पे है? ये है वरुण का बाया, वरुण का बाया इस तरफ आएगा, वरुण का बाया तीसरा, 1, 2 और 3, वैभव। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं, उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर है, मतलब अंदर की ओर रखे हैं इन्होंने। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। डायना जो है वो पुष्कर और पद्मा के बीच में बैठी है। यहाँ पे एक ही डायग्राम से इसको हम बना के चेक कर सकते हैं बनता है या नहीं बनता, पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल 6 हैं,
तो एक दो तीन, और यहाँ पे आप इसका एक कुछ अलग टेबल भी बना सकते हैं, ये चार पांच और छः कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर छः के केस में कुछ ऐसा टेबल भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाना, एक दो फिर तीन चार फिर पांच और छः, कुछ ऐसा भी आप टेबल बना सकते हैं। चेक कर लेते हैं, डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बना ली, ये एक दो तीन चार पांच और छः, यहाँ पे बोला गया है डायना पुष्कर और पद्मा के बीच है। बात कर लेते हैं, ये पुष्कर है और ये पद्मा है, इसके बीच कौन है? डायना, डायना, ठीक है, तो डायना जो है वो पद्मा और पुष्कर के बीच में। एक बार पुष्कर को डायना के लेफ्ट साइड रखेंगे, एक बार राइट साइड रखेंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। आगे बोला प्रियंका महेश और लक्की के बीच में, महेश और लक्की के बीच में कौन है? प्रियंका, तो यहां पे हम महेश को लिख लेते हैं, महेश जो है वो लक्की और सॉरी महेश और लक्की के बीच प्रियंका है, तो यहां पे इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ये गलत बनाया हमने। इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए, यहां पे प्रियंका है, और ये है महेश और लक्की, इनके बीच में। आगे बोला पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने होने चाहिए, तो पुष्कर और महेश, इसका मतलब लक्की यहां पे जाएगा, तो लक्की यहां पे फैट जाएगा और यहां पे आ जाएगा महेश, और यहां पे आ जाएगी प्रियंका। तो ये वाली पजल हमारी बनके तैयार हो गई है। तो यहां पे क्या चीज आपको बोली गई है कि जो इसके आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपको यहाँ पे सोल्व आउट करने हैं सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला गया है? महेश के पड़ोसी कौन है, मतलब महेश के आसपास कौन बैठा, आप चेक कर सकते हैं, ये महेश है, एक प्रियंका है और एक पद्मा है, तो प्रियंका और पद्मा, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी। अगला सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है, मतलब पद्मा के बिल्कुल जस्ट राइट साइड, आप देख सकते हैं पद्मा के राइट साइड कौन है? डायना। तो आंसर क्या रहेगा सेकंड क्वेश्चन का? ए डायना। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रियंका के सामने कौन बैठा है, आप यहां पे देख सकते हैं प्रियंका के बिल्कुल सामने कौन बैठा है? डायना बैठी है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका? ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ये आपके सामने चले हैं। अगला क्वेश्चन है एक और, आपको एक पैसेज दिया गया है, उसके क्वेश्चनों को आपको सॉल्व आउट करना है। आपको बोला है प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टाइलिन, तुहिन, उजाला, वरुण और बहीदा, तो टोटल 8 लोग हैं। ये भी आपका अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, टोटल 8 लोगों को आपको एक फॉर्मेशन में बिठाना है, सर्कल की फॉर्मेशन में, तो आप इस चीज को भी यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ में आप इसको सॉल्व करते चलें। टोटल 8 लोग यहां पे ये रहेंगे, तो यहां पर मैं इस चीज को यहां पर सॉल्व करता हूँ साथ साथ में। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ये एक आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठवां, सातवां और आठवां। सबसे पहले वो आपको बोला गया है बहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं तरफ है, बहीदा जो है वो प्रेरणा के तुरंत बाएं तरफ है, मतलब यहां पे अगर प्रेरणा होगी, यहां पे अगर प्रेरणा होगी, आप किसी पोजीशन पे यहां पे बिठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यहीं पे बिठाना हर बार या यहीं पे बिठाना, आप किसी पोजीशन पे बिठा दें, प्रेरणा के तुरंत बाएं तरफ कौन होगा? बहीदा होगी, तो मैंने यहां पे लिख लिया, ये बहीदा आ गई। आगे बोला है लेकिन तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पे तुहीन और स्टाइलिन नहीं आनी चाहिए, तो यहां पे आपको क्या चीज बोली गई है? आप अगली लाइन को एक बार
चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे तो आ गई बहीदा। आगे बोला है उजाला कुतुब के तुरंत दाएं तरफ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको बोला था लेकिन तुहीन या स्टाइलिन की पड़ोसी नहीं है, तो ये तो हमने अभी लिखा ही नहीं। अब नेक्स्ट लाइन को अगर मैं यहाँ से पढूं कि उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, उजाला के तुरंत दाएं कौन आना चाहिए? कुतुब आना चाहिए। तो वो तो हमें पता नहीं है अभी तक किसी पोजिशन में बैठ सकते हैं। तो वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, इसका मतलब है कि वरुण के बगल में कौन होगा? तुहिन होगा। राहुल तुहिन और उजाला के बीच है, तुहिन और उजाला के बीच कौन बैठा है? राहुल है। किसी भी एक आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी को लगा के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये तुहिन है, तुहिल और उजाला के बीच कौन बैठा है? यहाँ पे राहुल बैठा है। यहाँ से सारी की सारी आपको बात क्लियर हो जाएगी। वरुण तुहिन के बगल में बैठा, तुहिन के बगल में कौन बैठा होगा? वरुण। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बची हैं। कुतुब के तुरंत दाएं तरफ कौन होगा? कुतुब के तुरंत दाएं तरफ उजाला, तो यहाँ पे कुतुब आ जाएगा। एक लास्ट लाइन बची है स्टाइलिन वाली, तो स्टाइलिन यहाँ पे फिट हो जाएगी। ये सारी आपकी पजल यहाँ पे बन के तैयार है। इससे रिलेटेड आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, बोला है किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ें तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, उजाला तुहिन। ये पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरे नंबर पे है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। स्टाइलिश किस स्थान पे है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टाइलिश है, ये तो कौन सा ऑप्शन इसका फिट बैठता है? पहले बोला कुतुब के तुरंत बाएं तरफ, कुतुब के तुरंत बाएं तरफ, हाँ फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा बिल्कुल सही है? आप इसको कॉपी में जब बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं, जो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें? तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में बैठी है, क्या ऐसा है या नहीं है? तुहिन जो है, तुहिन क्या उजाला और कुतुब के बीच में? नहीं, ये तो राहुल और वरुण के बीच में, इसलिए गलत होगी स्टेटमेंट। आगे वाली क्या स्टेटमेंट है? उजाला वरुण के बगल में बैठी है, तो वरुण के बगल में तुहिन और बहीदा है, उजाला तो है ही नहीं, तो ये भी गलत होगी। आगे है वरुण तुहिन के दाएं, तुहिन के दाएं कौन बैठा है? वरुण बैठा, हाँ ठीक है। और बहीदा के बाएं, हाँ ये भी ठीक है, दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर से इसी टाइप का, इसके भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो आपको करना है साथ साथ में। ये भी आपकी अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन रहेगा। आज बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है, साथ साथ में आप इसको करते चलें, तभी आपके जो डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर होंगे। आपको बोला गया है राधा, रेखा, राखी, रागिनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक वृत्त में बैठे हैं, टोटल सात लोग हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ी बार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे सभी के नाम अलग अलग थे, स्टाइलिन, तुहिन, उजाला, वरुण, बहीदा, तो हमने यू के एस पी ऐसे करके इनके निकनेम दे दिए। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें तो सभी के नाम जो है वो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको कंप्लीट नाम यहाँ पे लिखने ही पड़ेंगे, आप डायरेक्ट में नहीं बता सकते। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे एक बार बना के चेक करते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, टोटल सात लोग हैं, एक दो उसके बाद तीन चार पाँच छ और सात, यहाँ पे हमने बना दिए। पहली लाइन बोली गई है रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, अभी छोड़ देते हैं। राधा रागिनी के तुरंत दाएं तरफ है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे राधा है तो रागिनी के तुरंत दाएं होनी चाहिए, तो रागिनी यहाँ पे आएगी, तो रागिनी यहाँ पे आएगी। रागिनी के तुरंत दाएं तरफ कौन आएगी? राधा आएगी। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि रागिनी जो है, सॉरी यहाँ पे ये सर्कल जो है वो एक बार बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार बना देता हूँ दोबारा से।
ये हमने सर्कल बना लिया, ये एक दो तीन चार पाँच छः और सात लोग हमने बिठाए। यहाँ पे बोला है रागिनी के तुरंत दाएं तरफ कौन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रागिनी है, तो रागिनी के तुरंत दाएं तरफ कौन होगी, राधा हो जाएगी, यहाँ पे राधा को बिठा लिया। आगे बोला है रेखा रीमा के बाएं ओर है, तो रीमा के बाएं सॉरी दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे ये तो पता नहीं है। इस कंडीशन को पढ़ लेते हैं, राधा रेणु के बाएं तीसरी है, मतलब रेणु जहां पे बैठी है उसके लेफ्ट साइड तीसरे नंबर पे राधा बैठी होनी चाहिए। तो जब भी मैं यहाँ पे अगर किसी को बिठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे रेणु को बिठाता हूँ तो रेणु का तीसरे नंबर पे राधा होनी चाहिए। हाँ ये तो बात बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी रेणु, तो ये पहला दूसरा और तीसरे, तीसरे नंबर पे राधा आ गई, ठीक है। आगे बोला है रेखा रीमा के बाएं दूसरे नंबर पे है, रीमा के लेफ्ट साइड, रीमा के लेफ्ट साइड दूसरे पे कौन होना चाहिए, रेखा होना चाहिए, तो रीमा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रीमा आ जाएगी। रीमा के दो छोड़ के कौन आना चाहिए, रेखा आना चाहिए, तो रेखा यहाँ पे आ जाएगी। आगे बोला है कंडीशन लगाई गई है कि रीमा जो है वो रश्मि के बगल में नहीं बैठी है, रश्मि के बगल में कौन नहीं है, रीमा नहीं होनी चाहिए, मतलब रीमा और रश्मि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो रश्मि यहाँ पे जाएगी, तो एक लड़की यहाँ पे बचेगी, उसका नाम क्या है, राधा होगी, रेखा राखी, तो राखी जो है वो यहाँ पे फिट हो जाएगी, तो ये हमारी सारी की सारी कंडीशन बन जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो राधा, फिर रागिनी, राखी, रीमा, रेणु, रेखा, रश्मि, ये सारी कंडीशन हमारी बन रही है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो रीमा, जो रीमा है उसके तुरंत बाएं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो राखी के तुरंत बाएं जो है वो रीमा बैठी है, तो इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, किस समूह का पहला व्यक्ति यानी दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, क्या ऐसा है या नहीं है, रीमा जो है क्या वो रश्मि और राधा के बीच में बैठी है, क्या रीमा इन दोनों के बीच बैठी है या नहीं बैठी है, तो ये यहाँ पे आपको चेक करना है कि आंसर हमारा एक्यूरेट है या नहीं है। तो नहीं, रीमा जो है वो रश्मि और राधा के बीच में नहीं बैठी है, राखी जो है वो रागिनी और रीमा के बीच बैठी है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रह जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन में बोला है रागिनी के बाएं दूसरा कौन बैठा है, रागिनी के बाएं मतलब रागिनी के बाएं लेफ्ट साइड दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, रीमा बैठी है, ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करें, छह बच्चे हैं, एफ आर आई एम ई और एस, एक वृत्त की शेप में बैठे हैं, सर्कल की शेप में बैठे हैं, यहां पे इनको एक बार फिट करके देख लेते हैं, ये इनका सर्कल बन गया, टोटल कितने लोग हैं, छह लोग हैं, तो ये एक, ये दो, उसके बाद ये तीन चार पांच और छह, छह लोग हमने बिठा दिए। आगे बोले एफ के तुरंत दाएं कौन बैठा होगा, एफ के बिल्कुल राइट में कौन बैठा होगा, आई बैठा होगा, यहां पे एफ होगा तो यहां पे आई हो जाएगा बिल्कुल राइट में। आगे क्या कंडीशन है, जो बच्चा एम के तुरंत दाएं बैठा है, एम के तुरंत दाएं, जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ है वही एफ के तुरंत बाएं तरफ भी है, एफ के एम यहां पे आएगा, तो जो बच्चा एम के इस तरफ बैठा होगा दाएं तरफ वही एफ के इस तरफ बैठा होगा। अब बोला है आर और ई के ठीक बीच में एम खड़ा है, आर और ई, तो
यहां पे आर को भर देंगे हम, यहां पे आर आ जाएगा, आर और ई के बीच में कौन बैठा होगा, एम बैठा है। अबे एक आदमी को ही हमारा रह गया, कौन सा रह गया वो, एस। तो एस हमारा यहां पर फिट हो जाएगा। तो ये हमारा सारा का सारा यहां पे पजल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। आई एफ के तुरंत दाएं तरफ, एफ के तुरंत दाएं तरफ आई होना चाहिए। एम के तुरंत दाएं, जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ खड़ा है वही एम के तुरंत बाएं तरफ भी खड़ा है, वही एफ के तुरंत बाएं यहां पे, तो यहां पे एफ आई और हाँ ये तो ठीक है। आगे आर और ई के बीच में एम खड़ा, तो यहां पे हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है आर यहां पे भी आ सकता है और ई यहां पे भी आ सकता है, तो हमारी पॉसिबिलिटी तो बन रही है यहां पे। इसके रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसी को आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, यदि ये पता है कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है तो डैश के बीच में एस खड़ा होगा, किसके किसके बीच में खड़ा होगा, एस आई और आर के बीच में खड़ा होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, ये आपको बताना है किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, तो एस के, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन तीन की बात करते हैं, आर इनके ठीक बीच में खड़ा है, तो आर किसके किसके बीच में खड़ा है, तो वो हम पता ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पॉसिबिलिटी को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर यहां पर रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। छह सहयोगी एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र की ओर चेहरा किया है, तो टोटल छह हैं, इनकी स्टेटमेंट को भी हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, ये एक दो तीन चार पांच और छह लोग हैं। यहां पे बोला है डेलनाज प्रेमजीत और तोशी के बीच में, प्रेमजीत और तोशी के बीच में कौन है, डेलनाज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेम है, यहां पे तोशी है, इसके बीच में कौन है, डेलनाज। तो इसको मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, यहां पे प्रेम है और प्रेम और तोशी के बीच में डोलनाज है, डेलनाज है। आगे बोला है प्रिया मोहित और लियोनार्डो के बीच में, प्रिया जो है, प्रिया यहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल, तो प्रिया जो है वो किसके किसके बीच में, मोहित और लियोनार्डो, मोहित यहां पे भी आ सकता है, मोहित यहां पे भी आ सकता है, तो लियोनार्डो यहां पे आएगा। आगे बोला प्रेमजीत और मोहित एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रेमजीत और मोहित आमने सामने होने चाहिए, इसका मतलब है कि एम यहां पे जाएगा, एम यहां पे जाएगा और एल यहां पे आएगा, तो ये हमारी सारी की सारी कंडीशन बनेगी। इस चीज को आपको सॉल्व करना है यहां पर, ये हमारी सारी स्टेटमेंट बन के तैयार हो जाएगी। इसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रिया के सामने कौन बैठा, तो आपको पता चल रहा होगा प्रिया के सामने कौन बैठा है, आप देख सकते हैं डेलनाज, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तोसी के बिल्कुल दाएं तरफ कौन बैठा है, तो आपको पता चल रहा है डेलनाज, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मोहित के पड़ोसी कौन कौन है, आप यहां पे देख सकते हैं मोहित ये है, मोहित किसके किसके बीच में, प्रिया और तोशी के बीच में, तो प्रिया और तोशी का कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा उसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको साथ साथ में सॉल्व करें।
आपको क्वेश्चन बोला गया है टोटल 6 दोस्त हैं, इनको आपने जो है वो षटकोणीय, षटकोणीय का मतलब होता है, षट का मतलब 6, 6 तरफ से बैठे हैं, षटकोण का मतलब है कुछ इस शेप में, जैसे मैं ऐसे करके हमारा षटकोण का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये 6 हमारे पर्सन है, 1, 2, ये 3, 4, ये 5 और ये 6, तो टोटल 6 लोग ये रहेंगे। आपको यहाँ पे सेट करने हैं सारे के सारे, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे आंसर बताएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर इसके आंसर बताने हैं, मैं यहाँ पे इसके आंसर आपको बता देता हूँ, उसी के हिसाब से आप इस पजल को भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, काजी के बाएं से चौथे स्थान पे कौन है, तो इसका आंसर आपका पंकज रहना चाहिए, ऑप्शन ए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरबेज के सामने कौन बैठा है, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, तरबेज के सामने जो है वो काजी बैठा है। अगला बोला गया था पंकज के पड़ोसी कौन है, तो पंकज के जो पड़ोसी हैं वो हैं हमारे तरबेज और रोहित। तरबेज और रोहित जो हैं वो हमारे इसके पड़ोसी रहेंगे। जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी आप ट्राई करें यहां पर, जल्दी से अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करें। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? जो आपका अगला क्वेश्चन है इसको आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। आपको बोला गया है 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, और एक सर्कल में ये बैठे हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। जल्दी से आप इसको सॉल्व करें और आंसर यहाँ पे आप शेयर करें। एक ही क्वेश्चन इस पजल का आपसे पूछा गया है, तो टोटल 6 लोग हैं, इनको बिठा लेते हैं, 2, ये 3, 4, ये 5 और ये 6, जो 6 लोग आ गए। यहाँ पे बोला है बी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए जो है वो बी और ई के बीच में बैठा है। बी को एक बार यहाँ पे बिठा देंगे, एक बार ई को यहाँ पे बिठा देंगे, एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पे लगा के देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ए को यहाँ पे हमने बिठाया था पहली बार, बी को यहाँ बिठाया था, इस बार ई को बिठाएंगे और यहाँ पे बी को बिठाएंगे, तो पॉसिबिलिटी बन गई। आगे क्या बोला है, सी जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, और यहाँ पे अगली कंडीशन है ई डी के तुरंत बाद दाई ओर बैठा है। डी के तुरंत बाद कौन बैठना चाहिए, ई बैठना चाहिए, तो डी यहाँ पे बैठेगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी, ये हमारी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि डी और एफ के बीच में कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा, एफ को यहाँ बिठाएंगे, सी को यहाँ बिठाएंगे। आगे लास्ट क्वेश्चन पूछा है एफ का स्थान ई से किस दिशा में है, जहां से लगा वहां से हर बार आपको चेक करना है, ई से आपको बताना है एफ का, ई से आपको बताना है एफ का, लेफ्ट टू राइट बता सकते हो या राइट टू लेफ्ट बता सकते हो। अगर ई के लेफ्ट बात करेंगे तो तीसरा लेफ्ट बैठा है एफ, और अगर राइट की बात करेंगे तो तीसरा ही राइट बैठा है। तुरंत बाई ओर नहीं होगा, दाएं से दूसरा नहीं होगा, बाएं से दूसरा नहीं होगा, तुरंत दाएं नहीं होगा, ऑप्शन सी दाएं से तीसरा या फिर बाएं से तीसरा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, 8 मित्र हैं और इसके लिए भी आपको कुछ कंडीशन बताई गई हैं, इसको भी आप यहां पे सॉल्व करेंगे, पॉसिबिलिटी हम साथ साथ में बना के देखेंगे। तो एक सर्कल हमने बनाया है जिसमें हमने 8 लोगों को यहाँ पे बिठा दिया, एक पॉसिबिलिटी और लगा के देखेंगे, अगर काम में आएगी तब ठीक है, अगर नहीं आती है तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, वी और एस के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो ये जो क्यू है यहाँ पर ये किसके किसके बीच में बैठा है, यहाँ पर ये जो क्यू है यहाँ पर हमने बिठाया है, ये किसके बीच में बैठा है, वी और एस के बीच में बैठा है। अगली बार एस को यहाँ बिठा देंगे, वी को यहाँ पे बिठा देंगे, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या बोला गया, डब्ल्यू क्यू के बाई ओर, क्यू के बाएं तीसरा, क्यू का लेफ्ट तीसरा कौन कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है,
क्यू का लेफ्ट तीसरा, 1 2 3, यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए, तो क्यू का लेफ्ट तीसरा डब्ल्यू आ गया। आगे बोला है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, और पी के राइट तरफ दूसरे स्थान पे कौन बैठा होगा, डब्ल्यू बैठा होगा। तो अगर मैं पी को यहाँ पे रखूंगा तो ये तो दूसरा स्थान नहीं बन रहा राइट साइड का, तो पी यहाँ पे आएगा फिर, पी का दायां दूसरा, पी का दायां दूसरा। आगे बोला पी और उवी के बीच आर बैठना चाहिए, पी और उवी के बीच कौन बैठना चाहिए, आर बैठना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैं पी और उवी की बात करूंगा तो यहाँ पे तो तीन लोग बैठे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी सारी की सारी। तो ये वाली जो सामने सेकंड पॉसिबिलिटी यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। इसमें आगे बोला है क्यू और टी एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं बैठे, मतलब क्यू के सामने टी नहीं बैठना चाहिए, तो टी इस पोजीशन पे बैठेगा, एक आदमी बचा विच इज यू, वो अपनी पोजीशन पे यहाँ पे बैठ जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन है, क्या बोला, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे ध्यान से देखूंगा तो यहां पे आपको ये बताना है कि कौन सा इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। जल्दी से इसको आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बोला गया है एस तथा पी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, क्या ऐसा है या नहीं है, एस के सामने पी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। आगे बोला है उवी और क्यू आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो उवी और क्यू, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, सॉरी यहां पे अगर मैं सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो फर्स्ट तो हमारा ऑप्शन ए लाई कर रहा है, सेकंड भी हमारा लाई कर रहा है, थर्ड को चेक कर लेते हैं, आर ओ टी आमने सामने बैठे हैं, हाँ आर ओ टी भी आमने सामने बैठे हैं, इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एस का तीसरा लेफ्ट, तो ये पहला दूसरा और तीसरा यू बैठा है, तो ऑप्शन ए यू इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है जो आपकी आज की क्लास रही है वो आपको अच्छी लगी है, तो एक बार वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें आप अपने फ्रेंड्स में, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी सोशल मीडिया के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ में आप विजिट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर के लिए www.vijaypatheducation.com पर, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के साथ जुड़ते ही आपको डेली का करंट अफेयर पीडीएफ स्टडी मटेरियल एचपीजी के नोट्स इंडिया जी के नोट्स हिमाचल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपको उसमें भेजे जाते हैं, वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।